नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसा स्ट्रेटजी में। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक पेपर सर्कुलेट हो रहा है समस्त जिला अधिकारियों को। तो इसमें जो पेपर अभी तक 27 अक्टूबर की डेट थी, उसमें 26 अक्टूबर की भी एक डेट निकल के आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका भी पेपर दो शिफ्ट में कराया जाएगा, दो दिनों में कराया जाएगा, एक 27 तारीख को एक और 26 अक्टूबर को। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं जो है कुछ बच्चों के लिए तो अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है, बट जो है कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। इसके दो तीन कारण है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक जो पेपर होता था उसमें से एक ही दिन में हो जाता था, सभी के लिए समान पेपर होता था। बट जो है अब अगर एक से दो पेपर आर ओ ए आर ओ जैसे कि उसमें भी चार जो है दो शिफ्टों में पेपर कराने की बात की गई, तो इसमें भी ऐसी बात की जा रही है दो दिनों में पेपर कराया जाएगा यू पी पी सी एस का। बट ऐसा होने से कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और ऐसे स्टूडेंट वही हैं जो बॉर्डर पे रह जाते हैं, या उनको फ़ायदा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जब पेपर कई शिफ्ट में कराए जाते हैं तो इससे होता है कि कोई पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है। तो हो सकता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, सीधी सी बात है कि जिसमें टफ़ होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि टफ़ वालों को फ़ायदा भी हो जाता है, कभी कभी घाटा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब पेपर सबके लिए समान नहीं होगा तो कुछ बच्चे फ़ायदे में रहेंगे, कुछ बच्चे नुकसान में रहेंगे। सीधी सी बात है कि 100% तो उनके साथ न्याय नहीं होगा ऐसी स्थिति में। बट जो है क्या किया जाए, इसमें जो है जो लोक सेवा आयोग का जो भी निर्णय है, ये उनकी जो है शुचिता को बनाए रखने के लिए, पेपर में ज़्यादा जो है पारदर्शिता बनी रहे, आई थिंक इसी के लिए ये जो है पेपर दो शिफ्टों में कराया जा रहा है। क्योंकि ज़्यादा जो जो बेकार टाइप के जो संस्थाएं वो होती थी, स्कूल होते थे, उनको शायद जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो इसी वजह से जो है ऐसा किया गया होगा कि ताकि जो अच्छे और बेहतर स्कूल और कॉलेज है वहीं पे पेपर अच्छे से कराया जाए। तो इस वजह से दो शिफ्टों में पेपर, दो दिनों में पेपर कराए जाने की बात की जा रही होगी। बट कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, और एक बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि इससे पेपर जो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी सामने आएगा, और साथ ही जो है पेपर की टफनेस और इजी दोनों इशूज इसमें आएंगे, और बाद में समस्याएं आएंगी। आपने देखा भी होगा कई पेपर जिसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो कई प्रकार की समस्याएं बाद में उभर के आती हैं। इसी तरीके से इससे पहले मेंस में भी होता था, स्केलिंग का मुद्दा हमेशा से ही विवादों में रहता था, और इस बार भी जो है इसमें जो नया ये पैटर्न जारी किया जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं। बट क्या ही किया जाए, अब लोग फिर भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इससे तो थोड़ा बहुत जो पेपर आउट होता था हो सकता है उसमें फ़ायदा भी हो सकता है आपको। और अब जो ये 27 अक्टूबर है, इसमें कुछ बच्चों का पेपर 26 अक्टूबर को भी होगा। सोचा मैंने कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मैं आप लोगों को दे दूँ। और आर ओ ए आर ओ का पेपर भी आपको पता होगा कि उसमें भी कई शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।